तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ क्रिकेट 22 माय करियर मोड, जहां पे अपना वनडे इंटरनेशनल एक्शन वापस आ गया, मतलब लिमिटेड ओवर्स एक्शन, और अपने को ओवर मिले 11th ओवर में। ये अच्छा यार, थोड़ा जल्दी दे मिला और लेट देंगे। और यहां पे जर्सी में बहुत बढ़िया भाई, भी टेस्ट बहुत ज्यादा ही खेल लिया था बीच में, लेकिन क्या कर सकते हैं, लगाते हैं फील्ड फिर बॉलिंग करेंगे। बांग्लादेश सामने मैच दिख रहा है ना तुमको, NMS पे मैच। या आई गेस आई एम गुड विद दिस फील्ड, फर्स्ट बॉल डालते हैं, लेट सी। तीन प्लेयर बाहर रखे मैंने, चार रख सकते हैं 11 से 40 के बीच में, तुमको पता ही होगा ओडीआई के रूल्स। तो फर्स्ट बॉल, लेट सी भाई क्या होता है। लिमिटेड ओवर्स एक्शन और बढ़िया डॉट बॉल, वेरी नाइस। और हमारे कैप्टन कौन है पता है टीम में, तुम लोग गेस करो। चलो इनकी ये लाइनअप है, और अपने कैप्टन जो मैं वहाँ पे स्कोर कार्ड के टाइम दिखाया नहीं और टॉस के टाइम, तुम लोग चलो आज एक काम करो, गेस करो। मैं तुमको यहाँ पे बॉलर्स का सिलेक्ट करने में नहीं, चलो बैटिंग में दिखाऊंगा क्या टीम खेल रही है, फिर बताना तुम उसमें से कौन कैप्टन है भाई। सबसे स्ट्रेंज है, चलो इतना बताता हूँ मैं, पूरी वीडियो एंड होगी तब बताऊंगा तुमको, पहले कमेंट करना है ठीक है। अभी मैं डालता हूँ आउटस्विंगर, मेरे को पता है लगता है मैं उससे पहले ही बता दूंगा। और बहुत बढ़िया बीट भाई, क्या बाउंस और कैरी है, मैंने एकदम बैटिंग पिच बनाई है अहमदाबाद में, अभी तुम देख ही रहे हो क्या मैच चल रहा है ना। और एज लग के चौका जाते हो, तुमको नसीब मेरा पता ही है। तो गाइस एज ऑलवेज प्लीज मेक श्योर टू ड्रॉप लाइक एंड सब्सक्राइब करते हैं बेल आइकन के साथ, और सारे सोशल मीडिया लिंक्स एंड डिस्क्रिप्शन में फॉलो कर लेना भाई। इतना तेज बोलने की आदत हो गई है ना, जहाँ पे फॉलो नहीं किया वहाँ फॉलो कर लो, और डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो यार। और पूरी वीडियो देखने के बाद एक कमेंट कर देना, पूरी वीडियो फुल स्क्रीन में एंजॉय करो, उसके बाद एक कमेंट। आउट ऑफ 7 करियर मोड है, रेट कर सकते हो यार। अभी फीफा करियर मोड भी शुरू है बाय द वे, जिनको नहीं पता है देख सकते हो वीडियो, अगर तुमको यूट्यूब ने नहीं दिखाई है तो। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को तो भाई, वो भी देख लेना। और कमेंट में शॉट ऑफ द डे, विकेट ऑफ द डे, बॉल ऑफ द डे, ये सब भी कर सकते हो। नसीब तो फिर छोड़ ही दो, लकी पर तेरे बस की ना है, चल ठीक है रख ले कोई नहीं भाई। क्या बीट किया है गाइस, सेकंड स्पेल, मतलब पहला स्पेल 2 ओवर का 7 रन, काफी इकोनॉमिकल अब मुझे दिया। सेकंड स्पेल यही फील्ड पे मैं बॉलिंग करूंगा, 91 पे 3 हो गए हैं, ठीक है लेट्स सी क्या होता है ये स्पेल में। थोड़ा सोच रहा हूँ ठीक है अभी नॉर्मली बॉलिंग करते हैं, कोई नहीं। फर्स्ट बॉल गुड लेंथ सही है, ओके चौका भी खा लिया। एंड गाइस ह्यूज शाउट आउट एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर लेजेंड मेंबर जो कि उज्जवल भाई, जो अपने चैनल पे हाईएस्ट टियर की मेंबरशिप बाय द वे। एंड ह्यूज शाउट आउट एंड स्पेशल थैंक्स टू आवर इंटरनेशनल मेंबर्स एज वेल जो कि हैं प्रियांक भाई, नीरज भाई, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग अ मेंबर। वो भी भाई इतने खतरनाक भाई, इतनी बड़ी बड़ी टियर की मेंबरशिप और इंटरनेशनल मेंबरशिप अपने चैनल पे सेकंड लास्ट ईयर पे। भाई यार प्रॉपर यॉर्कर डाली थी उसने, इनसाइड आउट कवर ड्राइव पे चौका मारा, अब मैं क्या बोलूं यार इससे ज्यादा। ये तो चौका है भाई, कर दूं क्या, चौथा प्लेयर भी बाहर, बहुत हो गया अब। ओके भाई दूसरा स्पेल 3 ओवर का, जिसमें आई गेस मैंने 21 रन दिए हैं, क्योंकि पहले 2 ओवर में 7 रन थे, और 194 पे 3 है। 40th ओवर मुझे दिए भाई बॉलिंग के लिए, स्ट्रेंज, मतलब क्या डेथ बॉलर मान रहे हो क्या अब, लास्ट 11 में 5 अगर डलवा रहे हैं, वैसे मेरे को तो चलेगा, आई लाइक चैलेंजेस यू गाइज नो, तो लेट्स सी क्या होता है। नसीब बिना क्या ही होगा भाई, हाँ बीट हो जाना आउट ना होना ठीक है ब्रो, समझ रहे हो। ओके भाई और फाइन खेल लो, प्रॉपर यॉर्कर की इज्जत ही नहीं। ओके मेरी बॉलिंग पे एटलीस्ट रन आउट तो हुआ शायद, ये तो आउट लग रहा है मेरे को। अरे बहुत बढ़िया थ्रो भाई जिसका भी था, चलो मेरे ओवर में कुछ तो हुआ तुमको दिखाने लायक, आउट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अश्विन अरे ऐसा क्या थ्रो था भाई, भाई चौका यार, मैंने बोला डेथ ओवर्स की फील्ड लगा दी अब T20 वाली, ठीक है तो चौके वैसे ही खाया ना। हाँ बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बीटी होते रहियो भाई मेरे, आउट मत होना भाई। ये क्या रिवर्स हुई क्या, इतनी ज्यादा कैसे भाई, वाह भाई वाह, क्या मतलब शब्द ही नहीं मेरे पे। नेल्ड इट बोलते ना, यॉर्कर को नेल किया है भाई, प्रॉपर इन स्विंगिंग यॉर्कर। शायद ऑफ स्टंप पे लग जाती पढ़ने के बाद, हल्की सी अंदर ही आती, फोर स्टंप पे तो थी आई गेस, उनकी इनसाइड एज ही लग गई और आउट। कल आओ कल, सेट बैट्समैन आउट, अरे और इनसाइड एज, मेरे को ही जाना होगा, जल्दी 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 रन बचाने बस, ठीक है उठा के रख ले, कोई थ्रो करने की जरूरत नहीं, फ्री के रन आने ही नहीं चाहिए। क्या मतलब मैंने दोनों साइड बैट्समैन को आउट करवाया, एक को रन आउट मेरे ओवर में हुआ था, प्रेशर बन रहा तभी वो इतना रिस्की रन भागा, और मैंने उसको बोला बढ़िया डायरेक्ट हिट मार, मतलब ठीक है मेरे कोई क्रेडिट दो यार उसका, और ये दूसरे साइड बैट्समैन को भी आउट कर दिया। अब लास्ट 8 ओवर में क्या इनसे रन नहीं लग रहे, क्या सुन रहा हूँ मैं, मतलब जो 340 की जगह 260-270 होंगे वो मेरी वजह से हो रहे हैं, ऐसा मतलब कौन बोल रहा है। ठीक है मैंने तो मेरे को दे रहा, ठीक है रन मारने पड़ेंगे। ओके मेरा एंड चेंज कराया, अब 2 ओवर बची, 8 ओवर 46 और 1 विकेट, 5.8 की इकोनॉमी, काइंड ऑफ ओडीआई क्या कुछ ऐसा कुछ बोलेंगे क्या, परफॉर्मेंस ओडीआई के हिसाब से सही लग रही है मेरे को, क्वाइट डिसेंट या स्टिल लेट्स सी।
ओके सिंगल रन नहीं आ रहे ना, विकेट तो वैसे भी नहीं मिल रही थी, अब भी नहीं मिल रही। ला यार कीपर तेरे बस की ना है। हाँ आया ही नहीं वो आगे। ठीक है भाई, ओके भाई लास्ट ओवर भी लेके आया मेरे को, ये डेथ बॉलर ही मान रहे हैं भाई साहब। तब भी यार 280 प्लस हो गए। शकीब अल हसन काफ़ी बढ़िया और सैफुद्दीन भाई दोनों अच्छा खेल गए, ठीक है स्टिल। लेकिन वो दोनों रहते तो 340 होता था यार मेरे हिसाब से। डॉट बॉल नाइस शकीब काल, ओके नाइस वाइड नहीं है, बाय वाइड दे दी। वाओ भाई वाओ गेम वाओ चाहे नाइस, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। रोक लिया वो अच्छा है, ये सरकास्टिकली नहीं सही में अच्छा था यार, रोक लिया। और यार प्रॉपर इनसाइड एज भाग यार, क्या फायदा भाई फुटबॉल खेल के मार देते। नहीं चलो लास्ट बॉल इनिंग्स की, आई एम गोइंग फॉर अ क्रॉस सीम यॉर्कर। अभी सिर्फ 3 रन प्लस एक एक्स्ट्रा, 4 रन दिए मैंने लास्ट ओवर में, विच इज क्वाइट गुड। चलो ठीक है इजी, मैं कैच कर सकता था भाई, मेरे को लगा विकेट है ना भाई कीपर। चल ठीक है पकड़ ले कोई नहीं। 5 रन की भाई, 5 रन का लास्ट ओवर है। लो क्या मतलब भयंकर था ये भाई, बहुत अच्छा खेले ये लोग यार। अपन ने 10 ओवर में दिए 58, 5.8 की इकोनॉमी, एक विकेट ओडीआई के हिसाब से कैसा है तुम लोग रेट करके तो उसे बता ही दोगे। चेस के लिए आ गए अपने ओपनर्स रोहित शर्मा एंड शिखर धवन। मैं भी कैप्टन नहीं हूँ तो मैं टीम नहीं बना सकता अभी, इनमें कौन कैप्टन है। एक काम करते हैं आज के एपिसोड में तुम कमेंट करो, वैसे ही ओडीआई एक दो और होंगे बांग्लादेश के सेकंड एपिसोड में, दिखा दूंगा मैं कौन है कैप्टन इनमें से कोई है। ये लाइनअप देख लो आई गेस तुम देख ली। लेट्स गो भाई, 6 बाय 324 रन, 54 की एवरेज, 251 सेंचुरी, बैटिंग भी बहुत जल्दी आ गई यार। ठीक है कौन सा 11th ओवर में आई थी, अच्छा पिछले ही ओवर में आई थी, मैंने देखा ही नहीं। चलो ठीक है जो भी है 10th में ही हुआ ना। पहली बॉल डिफेंस, ये गरबे वाले के सामने को है भाई तैजुल इस्लाम, इसमें से कोई कैप्टन है तुम लोग देख लो। अब तुम बताओ भाई मजा तभी आएगा, इनमें से कौन है मोस्ट अनएक्सपेक्टेबल है इसमें से। चलो देखते हैं ठीक है, ओके बीट कर दिया। अबे आधी आधी धूप छांव हटाओ यार, बहुत ही भयंकर। एक तो 290 का टारगेट है यार, 86 पे 3 हो गए हैं भाई इनफैक्ट। ठीक है मैं थोड़ा चिल करना चाहूंगा, एक मिनट। आउट कौन कौन हुआ है यार, रंजीत बरल कौन है मालूम नहीं, कोहली भाई आउट हो गए हैं, रोहित शर्मा शिखर धवन, इसके बाद कौन कौन है। अच्छा रोहित कौन खेल रहा है, शिखर धवन खेल रहे अपने साथ, अभी बोल दिया। अब श्रेयस अय्यर ऋषभ पंत है ये भाई, क्या नाम है, बुमराह प्रसिद्ध कृष्णा, मतलब खत्म है ना। इसके बाद 2 ही बैट्समैन और हैं, मतलब मैक्सिमम 3 विकेट्स और हैं मैच खत्म होने को। भाई अश्विन भी तो है, ठीक है भाई चलो ये 11 देख ली। इनमें से बस मैंने तुमको हिंट दिया है कि मोस्ट अनएक्सपेक्टेबल कैप्टन है। चलो नेक्स्ट एपिसोड में पता चलूंगा तब मजा आएगा। ओके बाउंस भी कम है, ऊपर से ही खेल गया भाई, ठीक है बच गया वो तो, टाइमिंग तो सही थी। लेकिन भाई फिर से बीट, क्या बॉलिंग कर रहा है ये। एक तो ये धूप छांव हटाओ यार, आधी आधी दिमाग खराब हो गया मेरा। ओके नाइस लियो, चलो कोई नहीं, पहले ओवर मेडन खेलने का चिल करने का। हाँ भाई सैफुद्दीन भाई, ओके स्टार्टेड ऑफ विद अ 6, मैं खेल रहा था स्क्वायर लेग पे बैक फुट पे और टाइमिंग सही हो गई तो इसने कुछ भी मिडल करके 6 मार दिया भाई। वाओ भाई क्या मस्त शॉट था, लेकिन ये मस्ती लगता हमेशा। देखो भाई एक होता है फ्लिक शॉट, ये है फ्लूक शॉट, क्योंकि मैं खेला तो उधर था, ये पता नहीं गेम में क्या इनपुट है इसका, बट प्रॉपर मतलब रियलिस्टिक ही है ये शॉट, वैसे रियल में खेला ही जाता है। बट पेसर को वुडलैंड से यहाँ से 6 मारना बहुत बड़ी बात है, वो भी बैक फुट पे जाके, खाली वेट ट्रांसफर किया था एनीवे, बट बहुत मस्त शॉट भाई। स्टार्टर ऑफ विद अ बैंग, क्या ये देखो वाओ। ओके सॉरी माय बैड, बहुत ज़्यादा प्रीमेडिटेट करके खेल रहा है, चिल मैन। देखो वही है, ओडीआई में एक बॉलर को टारगेट करना रहता है, मैंने सोच लिया सैफुद्दीन को टारगेट करेंगे क्योंकि इन्होंने रन भी मारे थे बड़े रैपिड, खाने भी पड़ेंगे ना रैपिड, ठीक है इनको टारगेट करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है भाई, इनके मैं मोस्टली लॉफ्टेड से खेलूंगा गैप में। हाँ ऐसे बीट भी होता रहूँगा लेकिन तुम देखो कोई दिक्कत नहीं है, आउट तो नहीं हो रहा ना अभी। हाँ भाई हाउ नेगेटिव यू वांट टू बी, तैजुल इस्लाम सिंगल इजी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, मैं सोचने में क्या शॉट खेलूँ, बच गया भाई। सैफुद्दीन इज हियर अगेन, मतलब सो बॉल छुपा कैसे आ गया, इन स्विंग की उसके बाद खाना तेना चौका ही था भाई ये तो, और भी स्विंग के साथ बस मेहनत ही नहीं लगी ज़्यादा। ओके सॉरी ये आउट स्विंग थी, अबे क्या कर रहा हूँ लेकिन ये मैं यार, मतलब फील्ड ऐसी मत देना भाई। ओके नाइस शॉट फॉर सिंगल, इसको भी मैं कर सकता था फ्लिक लेकिन पिछली बॉल आउट स्विंग थी तो ये मैंने सोचा ये भी आउट स्विंग होगी, चौका मिस कर दिया। अबे ये क्या फील्ड है भाई, ओके बच गया। चलो गुड शॉट फॉर सिंगल, ओडीआई है, स्ट्राइक रोटेशन जारी रखो क्योंकि अभी कहीं गैप तो है ही नहीं। मतलब क्या फील्ड बनाई है ये, शॉट ऑफ गुड लेंथ ही करता रहेगा ये। अबे वाह
एक्टिंग करी कि बॉल पकड़ लूंगा, लेकिन फिर नहीं पकड़ी। सिंगल, वैसे भी शायद सिंगल ही मिलता था, एक रन ही। ठीक है, शकीब आए बॉलिंग के लिए वैसे। चलो इतना बता देता हूँ, इनके कैप्टन है मुस्तफिज। अबे यार, नो बॉल भी थी, बाउंसर भी थी। मुझे पता होता पहले नो बॉल होगी तो मैं छक्का मार देता, टाइमिंग इतनी अच्छी थी, चाहे प्लेयर थे तब भी। हट यार, अबे क्या है भाई, इतनी तेज की बॉलिंग कर रहे हैं, ये स्पिनर हो आधे पेसर हो। गुड शॉट फॉर अ सिंगल। इतना बड़ा गैप और इतनी वाइड रूम दोगे तो सिंगल लेंगे ना। नो यार, सीधा हाथ में। हट, क्या मतलब ओडीआई इज द बेस्ट फॉर्मेट भाई, अलग ही मजा आ रहा है। पता है बॉलिंग में भी हमने क्वाइट डिसेंट परफॉर्मेंस दी है, बैटिंग में भी अभी बढ़िया, इनिंग बनाने में अलग ही मजा आ रहा है भाई। 21 ऑफ 22 बनाया है, परफेक्ट 98 की स्ट्राइक रेट, जो भी 98 के आसपास। ठीक, गैप्स में खेलो बस, दो दो रन एक एक रन लेते रहो, ईजी। अब हो गया 23 ऑफ 23, बढ़िया, हर जगह रन भी आ रहे हैं। अरे यार, मैंने सोचा आएगी थोड़ी अंदर है तो वहीं से बाहर ही चली गई, कोई नहीं। गुड बैक फुट पंच फॉर अ सिंगल, अनदर वन। ये तो एकदम जमीन से उठी भी नहीं भाई, वाओ, ऐसा कैरम शॉट है ना, वैसा था भाई। कहाँ से मिस हुई है, आइडियल टाइमिंग थी और पुल करना था भाई, ये क्या मिस हुआ ये तो। बाउंस, एक मिनट भाई, वही बोलूँ मैं, कुछ तो हुआ है एक भाई, थ्रू द हैंड चली गई है भाई ये तो। एक मिनट, वेट, अच्छा नहीं नहीं ये तो सब बीट किया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा थ्रू द हैंड्स, हैंड्स के अंदर से गई है, नहीं ऐसा नहीं। ओ भाई सही है, वाइड में लेगी ना फिर तो ये। हाँ ओके, दे नहीं दी, वाओ गेम वाओ। चाय यार, पता नहीं, मेरा मन था एक लॉफ्टेड खेलने का, अभी आउट हो जाता तो वही फिर सोचता रह जाता, बट ठीक है, नेवर माइंड, बच गया दो रन। पिछला यार सिक्स था भाई, कोई नहीं, कंट्रोल भाई, टीम को जिताना है, क्योंकि अभी मैं आउट हो गया टीम हार जाएगी, लिख के ले लो। अब बोलना मत आउट होके दिखा, ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये करियर मोड में गेम ऐसा डिपेंडेंट है। 149 पे 325 ओवर, ये तो प्रॉपर गैप में खेला था, निकल जा। वाओ ब्रो, मैं बोला इजी चौका है, फिर भी मिलेंगे दो। 31 ऑफ 30, सही है, T20 के 50 हो गए, 30 रन। हाँ, और अरे और नेगेटिव मतलब ये कर ले कि पैर पे ही बॉलिंग करूंगा, फील्ड ये लगाई, अब तू मार। और मैं लेट हो गया, फुल करके सिक्स था यार, क्यों। ठीक है भाई, तेल कॉन्सेंट्रेट करो, मैच जिताओ, उसके बाद जो करना है करो, मतलब जहाँ से ऐसा हो जाएगी हार नहीं सकते, उसके बाद देखना जो करना है। ठीक है, इजी सिंगल डबल, वाओ भाई हो गया, बड़े दिनों बाद दिए। ठीक है, समझ गया तुम क्या है, रीस्टार्ट। चलो भाई, रीस्टार्ट तो कर लिया है, अब देखते हैं। वाह, ठीक है, पूरा ऐसा लग रहा है एक बार बाहर जाके कंसंट्रेशन चला गया, क्या शॉट था ये गैप में। वाओ सिंगल, एक रन भाई, एक रन। अरे यार, वाइड को छू दिया मैंने। हाँ चलो कोई नहीं, दो रन निकाल लिए ना, ठीक है, बच गया भाई। अबे बॉटम लगी है तो, अबे स्लोअर और इतनी नीचे रह गई। ठीक है, अगेन दो रन, अगेन बच गया। ओके सिंगल इजी, मैं सोच के बैठा था इस बार स्वीप का ट्राई करूंगा, अभी तक मारा नहीं था स्वीप, एक बार ट्राई किया था लेकिन लेट हो गया था तब मैं। तीन रन नहीं, चार मिल सकते हैं, चार मिल सकते थे, हैं ओके, चार रन इजी, चौका ही है। आफिफ हुसैन भाई ये भी गरबा बोलर हैं, 38 बॉल्स में 44, 60 मिनट्स ऑन क्रीज, 116 की स्ट्राइक रेट, दो चौका एक सिक्स, प्रॉपर ओडीआई लग रहा है वैसे तो, ये काइंड ऑफ है ना। हाँ ये चौका जाना चाहिए थोड़ा अच्छा, नहीं ठीक है, ये भी वैसे ही रुकेगी शायद, और इट्स बाउंड्री, इट्स बाउंड्री, 48 ऑफ 39, बस भाई चिल कर ले, बस स्वीप पे टॉप पे लग के आउट होने से अच्छा चिल करो। ओके बस, प्रिसाइज शॉट खेला दो रन के लिए, ताकि इस बॉल पे एक माइलस्टोन हो जाए और अपना थोड़ा प्रेशर कम हो। ये ब्रो 40 बॉल 15 एंड ODI, ओके चार चौका और एक सिक्स, वेरी गुड, ओके 125 का स्ट्राइक, थैंक यू। वाह भाई वाह, शॉर्टआर्म जैब टाइप कुछ करना था, पूरा खाली था पीछे, और आइडियल टाइमिंग मतलब गुड टाइमिंग तो थी, कुछ एक गुड था, बाकी दोनों आइडियल थे, तब भी नहीं गया, पैड पे लग गई। चला जाओ, वाह गुड गुड आइडिया है, ये अपनी डिफिकल्टी पे होता है भाई, 50 मारते ही आउट। मैं बोला एक बाउंड्री निकालता थोड़ा, यार नहीं करना था, ये ओवर के रन तो आ गए थे।
यार विकेट दे दिए तो क्या बोलूं मैं, 50 of 42 119 की स्ट्राइक रेट, 4 चौके 1 6, डिसेंट इनिंग्स, लेकिन प्लीज भाई टीम जीत जाना जीत गया। चलो 292 पे 6 शिखर धवन बनाए, तो मैच 117 बाय सेंचुरी बनाई और हमारा भी डिसेंट परफॉर्मेंस था, 10 ओवर बॉलिंग की, 40-42 बॉल बैटिंग की, 50 रन मारे बॉलिंग में, एक विकेट ली और 58 दिए थे, काफ़ी इकोनॉमिकल और मेरी वजह से ही थोड़े कम रन बनाए थे मान लो ये, तो बाकी तुम बताओगे कमेंट से, परफॉर्मेंस को रेट तो कर ही रहे हो, बाहर देखते हैं क्या है। ओके बैटिंग डिसेंट थी तो प्लस होगा, बॉलिंग भी अच्छी थी तो प्लस होगा, फील्डिंग में तो हमेशा ही होता रहता है, ये मत दिखाओ रोज उठकर सीन, आज हमको जो चाहिए नहीं करने बात ही नहीं या गुड स्पॉट मैंने पूछा तेरे को। नेक्स्ट मैच होगा दिल्ली पे, लेट्स गो अरुण जेटली स्टेडियम पे, इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, और इसमें मैं तुमको बताऊंगा कौन थे कैप्टन, तुमने अभी तक कमेंट नहीं किया तो कर दो, आज तू गेस करना है ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, अभी तक नहीं किया तो कर देना, कमेंट करके ही जाना। चलो ठीक है बाय, 89 ओवरऑल हो गया बाय द वे अपना, याद चलो बाय बाय।